तो शुरुआत करते हैं लोकायुक्त की खबर के साथ। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के लोकायुक्त का जो दर्द है वो उनके बयानों के जरिए झलका है। लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल सरकार की तरफ से लोकायुक्त को दी जा रही सुविधाओं और तमाम पर्याप्त स्टाफ न मिलने के चलते काफी निराश हैं। लोकायुक्त की माने तो इसके चलते वो शिकायतों का जो निपटारा है उसको करने में असमर्थ महसूस करते हैं। इसकी शिकायत उन्होंने राज्यपाल तक से भी की है। प्रीतम पाल की माने तो कांग्रेस सरकार में भी यही दिक्कतें सामने आई थी और वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी समस्या खत्म नहीं हुई है। जिस लोकायुक्त पर प्रदेश में सरकार और उसके महकमे में होने वाली गड़बड़ियों पर नजर रखने का काम होता है, वही लोकायुक्त सरकार में सुविधाओं के अभाव में काम करने को मजबूर है। यह आरोप विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद लोकायुक्त पूर्व जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने लगाए हैं। हमारे पास डेपुटेशन पे दूसरे डिपार्टमेंट से लोग आते हैं जो कि रिलेक्टेंट होते हैं, वो आना पसंद भी नहीं करते यहाँ पर। तो कुछ थोड़े बहुत स्टाफ रेगुलर डेपुटेशन पे आया हुआ है, बाकी हमने अपने कंटेक्ट पे रखे हुए हैं, आउटसोर्सिंग तरीके से अपॉइंट किया हुआ है। तो वो स्टाफ की तो कमी रही है, उसके बारे में हम बार बार सरकार को लिखते रहे कि अपना कैडर हमारा होना चाहिए। और ये व्हिसल ब्लोअर के ऊपर भी मैंने रिकमेंडेशन दी है सरकार को कि जो एक पब्लिक कॉज को लेकर सामने आता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमें सबूत भी देता है, तो उसमें कई जगह मैंने ऐसे देखा है विशेष तौर पर कि जहां पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं तो उनमें कई हमारे कंप्लेनेंट्स ने दरख्वास्त दी है कि जी मेरे को खतरा है। खतरा किस बात का है कि जी मेरे पर झूठा केस बनेगा या मुझे कहीं कोई फिजिकली भी कोई हरेसमेंट हो सकती है, इस तरह की कई केसों में कंप्लेंट्स आती हैं। तो उनमें हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान तो है नहीं कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। जस्टिस प्रीतम की माने तो जिस तरह से कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त को इन्वेस्टिगेशन सेक्शन दिया गया है, वैसा ही हरियाणा में भी होना चाहिए। और उसको इसके अलावा जहां शक्तियों की बात है, शक्तियां हमारा एक्ट में दो तीन बड़ी इम्पोर्टेंट बातें थी, इसमें उनको मैंने शुरू से ही प्रेस किया कि इस एक्ट में पहले थी वो कि इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कि कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर अगर लोकायुक्त का पास होता है उसको अगर उसकी कंप्लायंस नहीं होती तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार, और एक हमारे पास बड़ी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं जिनमें बड़ी सच्चाई लगती है लेकिन कहीं लोग अपना नाम नहीं देना चाहते उसमें। तो ऐसे हालात में कहीं टीवी पर हम न्यूज़ देखते हैं, अखबार में न्यूज़ देखते हैं तो लगता है कि ये कहीं घोटाला, कहीं स्कैम चल रहे हैं, लेकिन उन पर हम एक्शन नहीं ले सकते जब तक प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट नहीं आई। तो वो सो मोटू स्वयं संज्ञान लेने की पावर इस एक्ट में नहीं है। प्रीतम पाल की माने तो यही समस्या पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान भी थी और यही समस्या बीजेपी सरकार में भी जारी है, जिसको लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी है। अब इसे लोकायुक्त का दर्द ही कहा जाए कि लोकायुक्त होने के बावजूद वो अपनी शक्तियों में कमी महसूस कर रहे हैं, तो वहीं जो सुविधाएं उनके पास होनी चाहिए वो भी सरकार ने नहीं दी। ऐसे में भरा जांच कैसे होगी? कई केसेस जैसे हैं कि साल दो दो साल तक वहां से रिपोर्ट नहीं आती कि कई बार ये होता है चलो कि ऑफिसर बदल गया जिसने इंक्वायरी करनी थी, दूसरा आ गया, लेकिन फिर भी कुछ उसमें मेरे को लगता है कि वहां जानबूझकर डिले की जाती है अपने किसी अधिकारियों को, कर्मचारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जब रिपोर्ट भी आती है वो उसमें भी कई खामी होती हैं। गौरतलब है कि लोकायुक्त के पास पूरे अधिकार व पूरा स्टाफ न होने की वजह से अभी तक 600 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग हैं। हालांकि लोकायुक्त के पास कुल 3500 के करीब शिकायतें आई थी जिसमें से उन्होंने करीब 2700 शिकायतों का निपटारा कर दिया है। ऐसे में लोकायुक्त का ये दर्द कहीं न कहीं सरकार की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान जरूर लगा रहा है। देखना अब ये होगा कि क्या सरकार लोकायुक्त के इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उनकी शक्तियों को बढ़ाने का काम करेगी या फिर पिछली सरकार के कार्यकाल की तरह लोकायुक्त की शक्तियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा।
अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। अब सवाल ऐसे में यही उठता है कि क्या जो सरकार का दावा भ्रष्टाचार को खत्म करने का है वो ऐसे ही पूरा होगा जब लोकायुक्त के पास पर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त ताकत ही मौजूद नहीं होगी। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। दरअसल आप बता दें कि स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद हरियाणा के राज्यमंत्री किशन बेदी के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन पार्टी ने किशन बेदी को क्लीन चिट दे दी है। पार्टी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष गणेश जी लाल ने यह साफ कर दिया कि बेदी पर कोई कार्रवाई बनती ही नहीं। स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद खट्टर सरकार कोई कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन हरियाणा के राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ती जा रही है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो ने भी बेदी के इस्तीफे की मांग कर डाली है। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पे किया था, तो मैं ये मान करके चलता हूँ जिस मंत्री का सरकार की नीतियों में विश्वास नहीं है उसको मंत्री बने रहना का कोई औचित्य नहीं है। स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए या मुख्यमंत्री को उसको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। उधर जाट नेता एवं कर्मचारी भलाई संघ के अध्यक्ष भगत सिंह शोकंद ने भी बेदी के बयान पर निशाना साधा है। शोकंद ने कृष्ण बेदी के इस बयान को बड़ा ही शर्मनाक बताया है। उनको ये बात शोभा नहीं देती। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ अभियान चलाया है, वो बहुत ही अच्छा है, हमारे सबके समाज के लिए हमारा सभी का सहयोग चाहिए इसमें, जब ही हम अच्छा स्वच्छ समाज को बना सकते हैं, साफ सफाई रख सकते हैं, तो हमने सभी ने सहयोग देना चाहिए। उन्होंने जो बयान दिया जो गलत कहा है, क्योंकि वो स्वार्थ है इसके पीछे उसका, बेदी का जो स्वार्थ था वो उसकी सच्चाई का पता लग गया, उसके विचार क्या है, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया, ये शर्मनाक बात है। उधर भले ही विपक्ष बेदी के बयान को लेकर उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, लेकिन बीजेपी ने बेदी को क्लीन चिट दे दी है। पार्टी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष गणेशी लाल ने बेदी के बयान को लेकर कहा है कि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिस पर कार्रवाई बने। भले ही पार्टी बेदी पर कार्रवाई की बात से पछती नजर आए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि भले ही जो सरकार है उसने क्लीन चिट दी हो बेदी को, लेकिन जिस तरीके का बयान सामने आया था और जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है, सवाल यह उठता है कि क्या इसी तरीके से जो स्वच्छता अभियान है वो कामयाब होगा। चलिए वक्त हो गया यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी हरियाणा की खबरों के साथ।